अच्छा जी, थोड़ी सी जरा उमर उसको बढ़ाना, थोड़ी सी और तालियां बजा के जरा दिखाइएगा। आइए आइए आइए, आपको एक मैं फिल्म दिखाता हूँ, एक डॉक्यूमेंट्री दिखाता हूँ, एक ऐसे इदारे की जिसकी हमें शदीद ज़रूरत है, लेकिन शर्त मेरी एक ही है, तालियां बजनी चाहिए, शोर होना चाहिए। ज़रा देखिए, फातमी फाउंडेशन का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। खून की जरूरत हो या उससे वाबस्ता किसी और मेडिकल सहूलत की, सबसे पहले जो नाम दिमाग में आता है वो है फातमीद। फातमीद पाकिस्तान में ब्लड बैंक को मुतारिफ करवाने वाला पहला इदारा है। फातमीद फाउंडेशन ए सिंबल ऑफ होप फॉर द पीपल जो के तरसते हैं जिंदगी में जिंदगी के लिए। हम इस मुल्क का खून जमा करने का चैरिटी सेक्टर में सबसे बड़ा इदारा है। हमारे जो बजट का बेशतर हिस्सा है वो अवाम के अतियात पर ज़कात और खैरात पर मुनसर है। फातमीद फाउंडेशन की बेलौस खिदमात के सबब आज फातमीद एनजीओ सेक्टर में सबसे बड़ा ब्लड बैंक और हीमाटोलॉजिकल सर्विस प्रोवाइडर है, जिसने खून बेचने वाले प्रोफेशनल्स को रद्द करते हुए सेहतमंद खून के हुसूल के लिए रजाकारों की खिदमात ली हैं। मैं थैलेसीमिया मेजर की पेशेंट हूँ। मुझे महीने में 2 मरतबा ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए मैं फातमीद फाउंडेशन आती हूँ। मैं फातमीद फाउंडेशन का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि ये हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड और दूसरी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है। थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और दीगर खून की बीमारियों के इलाज के लिए FDA CE से अप्रूव्ड आला मयार के इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। फातमीद फाउंडेशन जिंदगी के रास्तों पर इस उम्मीद और यकीन के साथ रवा दवा है कि दम तोड़ती हुई सांसों को जिंदगी देकर आइंदा भी लोगों के लिए उम्मीद की किरण की तरह रोशन रहेंगे। आज फातमीद से हमारे साथ हैं डॉक्टर वलीद बिन अजहर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं आप। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं डॉक्टर? डॉक्टर वलीद के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। सर थोड़ा सा पहले ये बताइए, फातमीद पे यहाँ किन किन मरीजों का इलाज होता है? पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारे पास तकरीबन 14,000 रजिस्टर्ड पेशेंट हैं, जिसमें 8,000 से ऊपर जो हैं वो थैलेसीमिया के हैं, और बाकी जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, हीमोफीलिया जिसे कहते हैं, उसके मरीज हैं। तो इनको हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोवाइड करते हैं, कि उनके बगैर ये लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा इनको जो दीगर दवाइयों की ज़रूरत होती है वो भी हमारा जो अदारा है वो इनको प्रोवाइड करता है, और ये जितने भी हमारे मुस्तहिक पेशेंट्स हैं उनको जो इलाज है वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। अच्छा ये बताइए कि सालाना कितने मरीज आप देख लेते हैं? सालाना में जो है वो तकरीबन हमारे पास जो आएगी वो 6 से 7 हज़ार जो पेशेंट्स हैं वो रेगुलरली हमारे पास विजिट करते हैं। सालाना? सालाना, सालाना। अच्छा ये बताइए खराजात पूरे हो जाते हैं? ये देखें, ये इस तरह है कि आप जो थैलेसीमिया है इसके अंदर जो अद्वियात हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, तो जो हमारे पास फंड्स हैं वो इतने नहीं हैं कि हम सारी अद्वियात जो हैं जो मुकम्मल तौर पे दे सकें इन बच्चों को। इसके अलावा हीमोफीलिया जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर है कि ज़रा सा भी ज़ख़म हो तो खून बहना रुकता नहीं है, उसकी अद्वियात भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, तो वो भी जो अद्वियात हैं उनके लिए भी फ़ंड की शॉर्टेज रहती है। तीसरी चीज़ जो है वो ब्लड डोनेशन है, और क्योंकि अच्छा ये जो ब्लड डोनेशन है क्या कोई भी आके कर सकता है ब्लड डोनेट, या खास तौर पे आपकी कोई मेंबरशिप होती है, या कोई अगर जैसे इनमें से कोई ब्लड डोनेट करना चाहे तो क्या वो जाके कर सकता है? जी इसके अंदर जो प्रोटोकॉल है WHO का, उसके हिसाब से 18 साल से ऊपर का कोई भी फर्द आ सकता है ब्लड देने के लिए। उसका वेट जो है 50 kg होना चाहिए, और उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए, जो हम नॉर्मली 130-90 के दरमियान जो भी ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कंसिडर करते हैं वो हो, और इसके अलावा उसको यरकान ना हुआ हो फिर लास्ट 6 मंथ्स के अंदर, और कोई ऐसी मर्ज ना हो जो एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सके।
तो जो सेहतमंद लोग हैं वही ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ये बड़ी बात होती है कि आप खुदा न करे आपको अगर कभी जरूरत पड़ जाए ब्लड की तो आप कहाँ जाते हैं? फातमी नहीं जाते ना, नॉर्मली तो यही एक इदारा है जो आपको ब्लड फ्राहम करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इदारा अपने आप से चल जाता है या इसको चलाने के लिए चीज़ें चाहिए होती है, लोग चाहिए होते हैं, ऑफकोर्स लोगों को चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, तो ये अखराजात जो है। और थैलेसीमिया एक ऐसा मर्ज है, आई वर्क विद अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स, इनमें से एक डॉक्टर जो है वो डॉक्टर ताहिर शमसी हैं। तो मैंने बहुत करीब से ऐसी बीमारियों को देखा है, थैलेसीमिया, जितनी भी ऑन्कोलॉजी की बीमारियां हैं या कैंसर की बीमारियां हैं उनको मैंने बहुत करीब से देखा है, बड़े केसेस इनके देखे हैं। ये बहुत एक्सपेंसिव इलाज होता है, फॉर इंस्टेंस बोन मैरो इज़ वेरी एक्सपेंसिव, थैलेसीमिया इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव, और ये एक लॉन्ग ड्रॉन बीमारी होती है जो चलती रहती है, अरसे दराज तक चलती है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप ऐसे इदारे की हेल्प करेंगे जो आपके अपने मुल्क में है, आपका अपना इदारा है, और साथ साथ वो फ्री माली किसी भी उसके बगैर आपको फ्री इलाज जो है वो फराहम करता है। ये लोग बड़े लोग हैं, इनको ताबून की ज़रूरत पड़ती है। सर अगर कोई डोनेट करना चाहे तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? उसके लिए हमारा जो बैंक अकाउंट है वो हम अपने ऐड के अंदर मेंशन करते हैं, और इसके अलावा आप हमसे रابطہ भी कर सकते हैं, हमारे रابطہ करने के बाद आपको हम गाइड भी कर सकते हैं, और हमारा जो पर्सन है वो आपके पास आ भी सकता है। लेकिन उसका अच्छा, अगर कोई शख्स जैसे फातमीन के बड़े बड़े मराकज़ हैं, अगर कोई जाके फातमीन में देना चाहे तो दे सकता है? एक्सक्यूज मी, आपके फातमीन के बड़े बड़े मराकज़ हैं, अगर कोई जाके देना चाहे तो दे सकता है? जब देना चाहेगा तो उसके अंदर एहतियात ये करनी है कि वो आपको मुकम्मल रसीद काट कर देंगे, जिसके अंदर दो रसीदें होंगी आपके लिए, एक रसीद जो है वो आपके रिकॉर्ड के लिए है, दूसरी रसीद जो है वो आपने वापस पोस्ट करनी है। हमारे पास पोस्ट पेड एनवलप है, उसके ऊपर एड्रेस हमारा लिखा होता है, तो वो रसीद आपने उसमें डाल के हमें वापस पोस्ट करनी है, सो दैट वी कैन इंश्योर के जो आपकी डोनेशन है वो हम तक पहुंच गई है और उसके अंदर कोई इशू नहीं है। ये बड़ी बात है, बड़ी बात है। डॉक्टर वलीद से बहुत बहुत सारी तालियां डॉक्टर वलीद साहब के लिए, बिकॉज ऑनेस्टली ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक इदारा आप ही के मुल्क में काम कर रहा है और उस इदारे ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने सर पे ली है कि 6 से 7 हज़ार मरीज़ जो हैं वो सालाना आते हैं, और बड़ा एक्सपेंसिव इलाज है। एक थैलेसीमिया के पेशेंट पे कितना खर्चा आ जाता है? अगर आप उसका मुकम्मल तौर पर आयरन चिलेशन कर रहे हैं तो वो तकरीबन 80,000 से 1,00,000 रुपये तक उसका खर्चा है। और ये कितनी देर के लिए है? ये सारी उम्र के लिए है, क्योंकि वो बच्चा खून बना नहीं सकता है और उसको महीने में 2 दफ़ा कम से कम खून की ज़रूरत पड़ेगी, और उस खून की वजह से उसके जिस्म के अंदर आयरन जो है ना फलाद वो जमा होता रहता है। ये फलाद जो है बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है टू द हार्ट, तो उसको हमें आयरन चिलेट करना पड़ता है। अगर आप आयरन चिलेशन की जो गोलियां हैं वो ख़रीदने जाएंगे तो अभी रिसेंटली मेरे पास जो कोटेशन आई है वो जो है 30 टेबलेट्स जो हैं उसकी कीमत जो है 5,500 रुपये। 5,500 रुपये जी, 30 गोलियों की वो प्राइस बता रहा हूँ, और ये जो है बच्चे के वेट के हिसाब से हमें गोलियाँ जो है ना उसको देनी होती हैं, तो ये एक आपको रफ अंदाज़ा मैं बता रहा हूँ कि 60,000 रुपया तो सिर्फ उसकी गोलियों का ख़र्चा है। इसके अलावा उसको जब हम ब्लड देते हैं तो वी इंश्योर कि उसके अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो मैंडेटरी 5 टेस्ट हैं जो हमें करने होते हैं। इसके अंदर हेपेटाइटिस बी को चेक करना होता है, हेपेटाइटिस सी को करना होता है, HIV को करना होता है, मलेरिया को करना होता है, और 5वीं जो बीमारी है वो सिफिलिस है। और इस ब्लड को भी हमें सेफ करना पड़ता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड के रेफ्रिजरेटर्स के अंदर, और इसका जब हम डोनेशन कहीं बाहर जाकर लेकर आते हैं तो हमें कोल्ड चेन मेंटेन करनी पड़ती है, हमारे साथ रेफ्रिजरेटर साथ जाते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप दोबारा तशरीफ लाइएगा या हम आपके पास आएंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। फातमीन को हेल्प कीजिए प्लीज सर, सिट डाउन प्लीज। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। आप ऑडियंस भी पूरी हो गई है, इनाम भी शुरू करते हैं, कर लें शुरू। ऑलराइट, छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।